सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर की मूवी फाइटर मूवी की डेट 20 की यानी कि 20वें दिन की 13 फरवरी की एडवांस बुकिंग की सेकेंड रिपोर्ट आ चुकी है और लगातार फाइटर मूवी बॉक्स ऑफिस पर हमें अच्छा कलेक्शन करते हुए दिखाई दे रही है। डे 20 पर भी इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो नॉर्मल ठीक ठाक हो रही है और इसका कलेक्शन भी हमें 20 दिन में बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं कि 13 फरवरी की एडवांस बुकिंग की सेकेंड रिपोर्ट में फाइटर अभी तक कितना कलेक्शन कर चुकी है। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो यहाँ पर मंडे के दिन यानी कि 12 फरवरी के रात के 9 बजे तक की है, जिसमें हिंदी की 2D से 6 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जिसमें 3,300 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। हिंदी की 3D से 4 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें 1,200 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। हिंदी के IMAX 3D वर्जन से 15,000 की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें 20 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। हिंदी के 4DX 3D वर्जन से 8,000 की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें 9 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। हिंदी के ICE 3D वर्जन से 0 टिकट सोल्ड आउट है और कोई भी यहां पर एडवांस बुकिंग नहीं हुई है। वहीं पर लास्ट में हिंदी के IMAX 2D से भी कोई एडवांस बुकिंग नहीं हुई है और 0 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। अगर हम सभी लैंग्वेज का टोटल कर देते हैं तो फाइटर मूवी के 20वें दिन की अभी जो एडवांस बुकिंग है वो 10.1 लाख की हो चुकी है। 10.1 लाख रुपए की फाइटर मूवी की एडवांस बुकिंग 20वें दिन की हो चुकी है, जिसमें 4,500 के अप्रोक्स 4,500 टिकट्स सोल्ड हुए हैं। अब दोस्तों, कल सुबह तक ये एडवांस बुकिंग बढ़कर 15 से 17 लाख रुपए की होने वाली है, जिससे इसका नेट कलेक्शन 1 करोड़ प्लस का तो आने ही वाला है। वहीं बता दें, फाइटर का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 340 करोड़ का हो चुका है और ये एक वीक में बड़े ही आराम से, अब जब अगला संडे या सैटरडे आएगा, ये 350 करोड़ को क्रॉस कर चुकी होगी। अब आप बताइए, अगर आपने फाइटर देखी है तो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।